यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, साथ ही यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर में हमें फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव को अर्घ देने की। वैसे तो हर कोई जानता है कि सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। यदि आप पंडित जी या किसी भी विद्वान गुरु जी के पास जाए तो वो यही सलाह आपको देते हैं कि सूर्य देव को हमें नियमित अर्घ देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आपकी कुंडली में इससे सूर्य ग्रह मजबूत हो। परंतु दोस्तों, सूर्य देव को अर्घ तो आप दे देते हैं, परंतु क्या उसका लाभ आपको मिलता है? क्योंकि बहुत से लोग सूर्य देव को जल अर्घ देने में ये एक गलती कर देते हैं और फिर यही समस्या उत्पन्न होती है कि आखिर हमको फ़ायदा मिल क्यों नहीं रहा। पहले तो हम आपको यह बता दें कि अगर आपके कुंडली में सूर्यदेव मजबूत है तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्यदेव मजबूत होते हैं उसके चेहरे में एक अलग तेज और चमक आ जाता है। यानी जो भी उस व्यक्ति को देखे उसके मन में अपने आप ही उसके लिए इज्जत और आकर्षण उत्पन्न होता है। समाज में उस व्यक्ति को हर जगह मान सम्मान मिलता है। उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिस वजह से जिस भी काम को वह करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। उसके अंदर आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि किसी भी काम के लिए उसे किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं रहती। नौकरी इत्यादि के इंटरव्यू हो या अपनी बात किसी के सामने रखनी हो तो वह व्यक्ति किसी को भी अपने बातों से इस तरह मंत्रमुग्ध कर सकता है कि वह अपनी हर बात उनसे मनवा सकता है। दोस्तों, पुराणों में भी सूर्यदेव को जल देने की महिमा बताई गई है। दानवीर कर्ण भगवान सूर्यदेव को नियमित अर्घ दिया करते थे। यही कारण है कि दुर्योधन जैसे अधर्मी का साथ देने के बावजूद आज भी कर्ण को सद्भावना के भाव से पूजा जाता है और देखा जाता है। कर्ण में अत्यंत तेज था और अर्जुन को भी युद्ध में हराने की उनके पास क्षमता थी। इतना ही नहीं दोस्तों, रामायण में भी इस बात का उल्लेख है कि स्वयं भगवान श्री राम भी नियमित सूर्यदेव की पूजा किया करते थे और उन्हें अर्घ दिया करते थे। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव को जल दे तथा उनकी पूजा करे वह सदैव धन संपन्न एवं सुखी जीवन व्यतीत करता है। परंतु दोस्तों, इसके भी नियम है, यानी कैसे सूर्यदेव को जल देना है, उस जल में क्या हम डालें। तो अगर हमको ये नियम पता हो तो हमको और भी अधिक लाभ सूर्यदेव को जल देने से प्राप्त होगा और हमारी पूजा हमेशा सफल होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना गया है। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देने से आपकी आत्मा की भी शुद्धि होती है। इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है और इससे घर में बीमारियां भी दूर होती है एवं आरोग्यता का वास होता है। यदि आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं अपने शरीर में, तो दोस्तों सूर्यदेव को नियमित रूप से जल देने से सूर्य का प्रभाव आपके शरीर में बढ़ता है। इससे आपका शरीर बलिष्ठ होता है और यह आपको ऊर्जावान बनाता है। इसलिए सूर्यदेव को नियमित जल चढ़ाना आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। परंतु ध्यान रखें कि नहाने के बाद ही आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और जब सूर्यदेव उदय होते हैं उस समय सूर्यदेव को अर्घ देना बहुत ही लाभदायक माना गया है। सूर्यदेव को जल देने के लिए सूर्य उदय होने से लेकर एक घंटे के बीच का समय बहुत ही उपयुक्त होता है। लेकिन जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हो तो आप ध्यान रखें, खासकर कि आप अपने पैरों में कुछ ना पहनें। कभी कभी लोग चप्पल इत्यादि पहनकर सूर्यदेव को जल देते हैं, जो कि आपको पूजा का अशुभ फल देता है। सूर्यदेव को जल देने के लिए सदैव आपको तांबे का ही लोटा प्रयोग में लाना चाहिए। यदि आपके घर में तांबे का लोटा ना हो तो आप बाजार से तांबे का लोटा खरीदकर अवश्य ले आएं। दोस्तों, सूर्यदेव को जो जल आप अर्पित करते हैं उसमें इन चीज़ों को आपको अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण होगी। यानी वे चीज़ें हैं अक्षत चावल, यानी कि जो टूटे ना हो, अखंडित ना हो, थोड़ी सी रोली गंगा जल की, कुछ बूंदे और थोड़े से फूल। अगर हो सके तो आप गेंदे का फूल प्रयोग में लाएं और या फिर चमेली का फूल आप प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपको ये फूल ना मिले तो आप सामान्य फूल भी प्रयोग में ला सकते हैं। सूर्य उदय होते समय ही आप सूर्य को जल अर्घ दें। ध्यान रहे, जल अर्पित करते समय आपका हाथ आपके सर के ऊपर होना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय जल की जो धारा गिरती है नीचे जमीन में वो आपके पैरों पर ना पड़े,
ऐसे उसको घेरना है। दोस्तों यही कारण होता है कि महात्मा लोग सूर्य को अर्घ देते समय नदी में मुख्य रूप से जल देते हैं, यानी कि वे नदी के अंदर जाते हैं तभी वे सूर्य देव को जल देते हैं, जिससे कि वह धारा उनके पैरों पर नहीं गिरती है। जल देते समय आप इन तीन मंत्रों का उच्चारण अवश्य कर ले। मंत्र है दोस्तों, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जल अर्पित कर लेने के पश्चात आप एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जिस जगह पे आप खड़े हो उसी अवस्था में आपको खड़े रहना है और एंटी क्लॉकवाइज तीन बार आपको सूर्य देव की परिक्रमा करनी है। अब आप सूर्य देव की ओर मुख कर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना सूर्य देव को बोल दें। दोस्तों ऐसा यदि आप नियमित करते हैं, अगर नियमित आप नहीं कर पाते हैं आप इसे रविवार के दिन अवश्य करें, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। यानी यदि आप ऐसा हर रविवार करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत एवं अत्यधिक प्रबल होते हैं, हर जगह आपका सम्मान होता है, चाहे वह घर हो या बाहर या फिर ऑफिस क्यों ना हो, व्यक्ति के लिए सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।